वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए वेज सैंडविच की रेसिपी लेकर आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट हमने लिए हैं हम बता देते हैं। हमने लिया है टोमेटो सॉस, रिफाइंड ऑयल, एक चम्मच धनिया ली है पाउडर, एक चम्मच नमक है, 5 से 6 लहसुन की कलियां हैं, 2 हरी मिर्च है, 1 चम्मच जीरा है, 1 टमाटर है, 1 गाजर ली है और 1 शिमला मिर्च ली है, 1 प्याज, सबको बारीक हमने काट लिया है। और इधर हमने 4 ब्रेड ली है। तो सबसे पहले इधर हम पैन चढ़ा देंगे, पैन को गर्म होने देंगे। तो पैन गर्म हो गया है, अब इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तो हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, अब इसमें हम ये जीरा डाल देंगे, इसे हिला देंगे। उसके बाद ये लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे, इसको पकने देंगे। तो लहसुन पक गया है, अब इसमें हम ये गाजर डाल देंगे। तो इसमें हमने गाजर डाल दिया है और ये शिमला मिर्च डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे और प्याज डाल देंगे। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसमें हम ये धनिया पाउडर डाल देंगे और नमक डाल देंगे। नमक स्वाद के अनुसार ही डालें। तो हमने इन सब्जियों को पका लिया है, अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। सब्जियों को प्लेट में निकाल लिया है, तो हमने सब्जियों को प्लेट में निकाल लिया है। इधर हम दूसरा पैन चढ़ा देंगे, पैन को गर्म होने देंगे। इसमें हमने हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगा लिया है। इधर हमने ब्रेड ली है 4, अब इसमें हम ये टोमेटो केचप लगा देंगे। टोमेटो केचप लगा दिया है, इसमें जो हमने स्टफिंग बना के रखी है वो फिल करेंगे। तो हमने स्टफिंग फिल कर ली है, अब इसके ऊपर हम एक ब्रेड और रख देंगे। इधर पैन भी हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम ब्रेड को क्रिस्पी होने तक भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। ऊपर से हल्का सा रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। अच्छे से इनको ऐसे फैला देंगे जिससे इसमें ऑयल एक्स्ट्रा जो है वो सब लग जाए। हमने ऑयल से सेका है, आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। तो हमने सैंडविच को अच्छे से सेक लिया है, अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब चलते हैं इनको सर्व करने के प्रोसेस में। तो हमारा वेजिटेबल सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार है। इस तरह से एक बार ट्राई जरूर करें, बहुत अच्छी रेसिपी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।